हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन। पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं भाकर वड़ी। मराठी डिश है ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी और क्रंची बनती है। चलिए इसका प्रोसेस देखिए। चलिए फ्रेंड, हम लोग भाकर वड़ी जो बना रहे हैं उसके लिए ये मैं मैदा ली हूँ। ये मैं एक कटोरी, एक बड़ी कटोरी मैदा ली हूँ। ये आधा कटोरी मैदा और ले ली हूँ। ये हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक बड़े चम्मच ये गरम ऑयल। ये मैंने राइस ब्रांड लिया है, कोई भी राइस ब्रांड, फल्ली का तेल या जो भी आप ले सकते हैं। अब चलिए इसको एक साथ मिक्स कर देते हैं। ये हम मोहन बना रहे हैं, इसमें मोहन रहता है तो ये खस्ता बनता है। इसको चारों तरफ से मिला देते हैं हम लोग और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो इसको हाथों से हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए इसको हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है, ये चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए मैं घी का मोहन नहीं दे रही हूँ। आप चाहे तो घी का मोहन दे सकते हैं और घी जल्दी से जम जाती है और इसमें तेल का मोहन भी बहुत अच्छा रहता है। ये हमने अच्छे से मिला लिया है। देखिए इसको ऐसे मुट्ठी से दबाते हैं, देखिए हमारा मोहन अच्छे से बंध रहा है। मोहन अच्छे से डाले हैं, मतलब जितना हम क्वांटिटी डाले हैं तेल का उतना ठीक है। चलिए हम लोग इसमें आटा लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम सख्त और या फिर एकदम मुलायम आटा नहीं लगाना है हमको, मीडियम आटा लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। देखिए हमने मैदे के आटे का डो तैयार कर लिया है। देखिए अब इसको हम लोग ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। देखिए मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन, तो इसमें चलिए मसाले हम लोग रोस्ट करते हैं। ये हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और ये 1 चम्मच सफ़ेद तिल, थोड़ा सा और ले लेती हूँ इसमें, और थोड़ा सा सौंफ और ये पूरा फुल 1 चम्मच लेंगे हम लोग। मैंने आधा आधा करके लिया है। ये खसखस है और ये थोड़ा सा काली मिर्च। अब ये सबको हम लोग रोस्ट करते हैं। ये मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए अजवाइन भी डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं हम लोग टेस्ट के लिए। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये भून गया है हमारे मसाले, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। चलिए इसको मैंने जार पे ले लिया है, अब इसको हम लोग ग्राइंड कर देते हैं। ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। चलिए मसाले में हम लोग ये रेड चिली पाउडर ये ऐड करते हैं। ये कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और नमक, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये सूखा धनिया पाउडर भी ले रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा शक्कर 1 चम्मच। अब चलिए इसको एक बार और ग्राइंड कर देते हैं हम लोग। देखिए मैंने लिया है ये देसी घी, मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ अभी। चलिए हम देखते हैं जो आटा हम लोग लगाए थे ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे हम लोग।
ये जैसे इतनी बड़ी। अब इसको हम लोग बेल लेते हैं ऐसे ही। चलो 4-5 लो ये और तोड़ लेंगे। देखिए मैंने कटिया में हल्का सा मैदा डाल दी हूँ। उसके बाद ये लोई इसको हम लोग पतले से बेलेंगे। चलिए चौके के नीचे मैंने कपड़ा रखा है ताकि ये फिसले ना बोल के। अब देखिए ये पतला सा मैंने बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। ये घी मैं हाथों से लगाऊंगी। उसके बाद जो मसाला हमने तैयार किया है उसको इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए ये मसाला है, इसको हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। चारों तरफ से फैला देंगे। चारों तरफ से लगा देंगे हम लोग। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो जो मैं क्वांटिटी डाली हूँ उस क्वांटिटी से डाल दीजिए, और जैसे मान लो बाद मिर्ची कम करना है तो मिर्ची का थोड़ा सा कम कर दीजिए। ये हो गया हमारा रेडी। चलिए देखिए इसको हम लोग ऐसे गोल 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 ऐसे गोलाई से लपेटते जाएंगे। ये अंदर में एयर नहीं रहना चाहिए। जैसे एयर आ भी रहा है तो आप ऐसे खिसका दीजिए हल्के हाथों से दबाते हुए। फिर इसको एक ही डायरेक्शन में आपको लपेटना है, इसको थोड़ा सा लंबा बढ़ाना है ऐसा। उसके बाद ताकि पूरा मिक्स हो जाए। चलिए इसको हम लोग अब कट करते हैं। ये हो गया है, ये इधर का जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे हम लोग। उसके बाद इसको साइज से हम लोग कटिंग करते जाएंगे। इसे दबाते हुए कटिंग करना है। साइज हम लोग छोटा ही लेंगे, एकदम से बड़ा साइज नहीं लेंगे। उसके बाद जैसे ये है इसको हम लोग ऐसे उंगलियों से ऐसे दबा देंगे ऐसे। देखिए इसका एक्स्ट्रा जो साइज है वो बढ़ गया है। ये ऐसे ही सबको हम लोग दबा देंगे। देखिए इसी तरह हम लोग सारी पापड़ बड़ी बना लेंगे। ये मैंने ऑयल पहले से गरम कर दिया है, ये गरम हो गया है। अब हम लोग पापड़ बड़ी को तेल में फ्राई करेंगे। चलिए देखिए ये हमारा पापड़ बड़ी अच्छे से तल रहा है। चलिए पापड़ बड़ी हमारी रेडी हो गई है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये मैं एक्सेस जो तेल है इसके लिए यहाँ पे टिश्यू पेपर ली हूँ। चलिए अब हम सेकंड बार भी ये मैंने बना के रखा है पापड़ी, इसको डालते हैं। इसी तरह हम सारे पापड़ी बना लेंगे। चलिए हमारी पापड़ी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए कितना अच्छा बना है, क्रंची। देखिए कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है इसमें।